एक्टिंग से ज्यादा आपको मेकअप पर ध्यान देना होता है और एक्टिंग कम समय के लिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त लगता है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस कितना हैम्पर होता है जब कॉस्ट्यूम पे और मेकअप पे ज्यादा ध्यान होता है? जब परफॉर्मेंस एनहांस होता है, एक बार वो चेहरा लग जाता है तो फिर आप वैसे ही बन जाते हैं और उसी के मुताबिक करना पड़ता है। प्रोस्थेटिक्स जो हैं वो चेहरे को और स्किन को और फेशियल एक्सप्रेशंस को एकदम जकड़ देते हैं, तो किस तरह से कितना हिला सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो अपने आप में एक एक्टिंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो जब वो प्रोस्थेटिक्स लगता है तो वो हमें बहुत फ़ायदा देता है या फायदेमंद होता है। ऋषि सर, जैसे मैंने इस फिल्म में 102 में अमित जी को देखा था, जब पहला शॉट में दे रहा था तो वो किस तरह से अपने रोल में घुस रहे थे, अपने कैरेक्टर में, एंड ही वॉज फ्लर्टिंग विद दोज वर्ड्स एंड हिज आई डोंट नो वेदर ही नोज अबाउट इट और डिड यू डू इट ऑन पर्पस, ही इज यूजिंग हिज टूथ हिज गम हिज यू नो, जब पहले एक दो शॉट में ही वॉज गेटिंग इन टू द कैरेक्टर, आई नोटिस्ड इट, आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, ये एक्सरसाइज, सो दैट इज वॉट यू आर सेइंग, ये जैसे उन्होंने कहा ये यू नो इट एनहांसेस योर वर्क बिकॉज दैट्स व्हाट ही डिड।